स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में और सेल्सियस से केल्विन में बदलना। तो तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में और सेल्सियस से केल्विन में कैसे बदला जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि तापमान की अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स, तापमान की अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक केल्विन है, जिसे हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग केल्विन और सेल्सियस के बीच में जो संबंध है उसको जानेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 केल्विन होता है। फ्रेंड्स, 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन सुविधा के लिए माना जाता है। आगे हम जब तापमान की माप को सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से सेल्सियस में जब बदलेंगे, तब इसका हम लोग उपयोग करेंगे। और उसमें जैसे यहाँ पर जैसे दशमलव में दिया हुआ है, तो इसे सीधा सीधा हम पूर्णांक में इसको लिखेंगे, ताकि सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से सेल्सियस में जो बदलना होता है, तो उसमें हमें कोई परेशानी ना हो। इसीलिए हम इसे सुविधा के लिए हम इसे मान सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन सुविधा के लिए इसे मान सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, जब तापमान की माप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, तो उसमें हम 273 को जोड़ देंगे तो वो केल्विन में बदल जाएगा। डिग्री सेल्सियस में जो मान दिया रहेगा उसे क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे, उस मान में 273 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो केल्विन में बदल जाएगा। और फ्रेंड्स, जब केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो क्या करेंगे, उसमें 273 घटा देंगे। तो इसे याद कैसे रखेंगे फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। फ्रेंड्स, वो ट्रिक है जैसे ए से लेकर के तक हमने लिखा है, इसमें देखना है क्या, सी से के की ओर के तक जाने के लिए, सी से के तक जाने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। और के से सी की ओर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए घटाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो कि ए बी सी डी में हम यदि सी से अगर के की ओर जाएंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 273 जोड़ना पड़ेगा। और के से अगर उल्टा, जब उल्टा हम लोग घूम के आते हैं, जैसे मान लीजिए 5 से हमको अगर 2 आना है, तो 5 से 2 आना है तो क्या करेंगे, उसमें हम 3 माइनस कर देंगे। उसी तरह जब हम पीछे की ओर आते हैं, तो पीछे की ओर आने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमें पीछे की ओर आने के लिए घटाना पड़ता है। और आगे की ओर बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आगे की ओर बढ़ने के लिए हमें जोड़ना पड़ता है। बस इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो इसे। तो आगे चलिए हम लोग इसको चेंज करते हैं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में कैसे इसको चेंज करते हैं उसको आगे पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, तापमान की माप जो है ना केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए जो भी दिए गए तापमान है ना, उसमें से क्या करेंगे, 273 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, सेल्सियस का मान आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग लिखेंगे कि तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए गए तापमान से 273 घटाया जाता है। जैसे फ्रेंड्स, इसमें जैसे मान लीजिए 373 केल्विन दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, 373 में 273 को अगर माइनस करेंगे, 3 में 3 घटाएंगे, 0, 7 में 7 घटेगा तो, या 7 में 7 घटेगा तो 0, और 3 में 2 घटेगा तो 1, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा सेल्सियस में आंसर आ गया। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 500 केल्विन है, 500 केल्विन को अगर हम सेल्सियस में बदलेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 500 को लिखेंगे, जो दिया गया तापमान है इस तापमान को लिख लेंगे, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, तो 500 में 273 को माइनस कर देंगे, तो क्या करेंगे, इससे पहले कैरी लेंगे यहाँ,
जीरो, क्योंकि जीरो में तीन तो घटेगा नहीं, जीरो छोटा है तीन बड़ा है। कैरी लेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ कैरी लेंगे, यहाँ से फिर पहचान लेंगे, फिर यहाँ से पहचान लेंगे तो यहाँ कितना बनेगा दस, दस में तीन गया यहाँ सात आ गया। अब यहाँ बचा कितना दस, चूँकि यहाँ दस हुआ था अब दस में तो एक चल गया था, नौ बचा, नौ में सात गया दो आया, उसके बाद यहाँ चार बचा, चार में दो गया तो दो, तो ये 227 डिग्री सेल्सियस ये हो गया आंसर। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए 100 केल्विन दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे 100 केल्विन में 273 घटा देंगे, तो 100 केल्विन 273 घटाएंगे क्या आएगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ 100 है और यहाँ 273 है, तो 100 में 273 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम उल्टा घटाएंगे इधर से, तो राइट से लेफ्ट की ओर माइनस करेंगे इसको, तो राइट साइड से माइनस करेंगे लेफ्ट की, तो क्या होगा, तो 273 में 100 को हम घटा लेंगे कैसे, तो तीन में जीरो घटाएंगे तीन आएगा, सात में जीरो घटाएंगे सात आएगा, और दो में एक घटाएंगे एक आएगा, चूँकि हम उल्टा घटाए हैं इधर से 273 से 100 घटाएं, तो 273 का चिन्ह क्या है माइनस, तो इसमें हम माइनस चिन्ह लगा देंगे, तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो गया 100 केल्विन बराबर क्या होगा, तो माइनस 173 डिग्री सेल्सियस ये हो गया आंसर। फ्रेंड्स यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो को देख लें। फ्रेंड्स 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 केल्विन होता है। फ्रेंड्स कहीं कहीं पर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 भी होता है, तो दशमलव के बाद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है याद रखना। फ्रेंड्स 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन याद रखिए, बस इसी से आपका केल्विन से सेल्सियस जो तापमान है वो केल्विन से सेल्सियस में और सेल्सियस से केल्विन में आप आसानी से बदल सकते हो। फ्रेंड्स आगे हम लोग पढ़ेंगे तापमान की माप सेल्सियस से केल्विन में कैसे बदला जाता है। फ्रेंड्स इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग देखें कि केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या किए फ्रेंड्स, 273 से घटा दिए, दिए गए मान में 273 को घटा दिए। फ्रेंड्स इसमें इसका उल्टा करेंगे, जो दिया गया मान होगा उसमें क्या करेंगे 273 को जोड़ देंगे, उसमें घटाए थे इसमें क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। तो तापमान की माप सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे 273 जोड़ा जाता है। तो चलिए इसको आंसर करते हैं। तापमान की माप सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए गए तापमान में 273 फ्रेंड्स इसमें जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। तो आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, इसे केल्विन में बदलना है, तो क्या करेंगे 100 लिख लेंगे और 273 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 0 3 7 0 7 जोड़ेंगे और दो सात हो जाएगा, 7 0 7 हो जाएगा और दो और एक को जोड़ेंगे तो 3, तो 373 केल्विन ये हो गया आंसर। तो 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में चेंज करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 32 डिग्री सेल्सियस है, इसको इसे केल्विन में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, तो 32 + 273 बराबर क्या हो जाएगा 3 2 5 7 3 10 का 0, हाथ में रहा एक, हासिल रह गया एक और दो और हासिल एक 3, तो 305 केल्विन ये हो गया हमारा आंसर। कुछ और एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 500 डिग्री सेल्सियस है, इसे क्या करना है केल्विन में बदलना है, केल्विन में बदलना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स 500 + 273 इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे 3 0 3 7 0 7 और 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7, तो 773 केल्विन ये हो गया आंसर।
फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल अभी मेरा नया नया है और नया नया चैनल को तो आप लोग को पता ही होगा कि नया नया चैनल को सपोर्ट की कितनी ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। और यदि आपको वीडियो समझ में ना आया हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।